Assalam o alaikum dosto, welcome to non-stop learning channel. We will discuss in JavaScript for change, hide and show HTML element. Last video में मैंने introduction किया था JavaScript का और आज हम discuss करेंगे getelementbyid function जो कि most important है HTML element को hide, change और show करने के लिए. तो first of all इसमें यह है कि आप एक web page बनाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे already बनाया हुआ है और इसको आप सेव करेंगे और सेव करते वक्त जो है HTML इसका एक्सटेंशन होगा, HTML एक्सटेंशन देंगे और इनकोडिंग जो है UTF-8 इसको हम सिलेक्ट करके ओके करेंगे और ये जो डॉक टाइप HTML है जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक टाइप HTML ये बताता है कि आपका जो एलिमेंट है जो यहाँ पे जो कोडिंग की है वो HTML की कोडिंग है. HTML जो है यहाँ पे फर्स्ट में मैंने शो किया है, लास्ट में HTML शो किया है. HTML जो है ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है और बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे राइट किया है. S2 जो है हेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, S3 भी हेडिंग के लिए, एलिमेंट है एनी HTML कंटेंट पैराग्राफ के अंदर. और बटन टाइप जो है बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML, यानी HTML के अंदर जो है जो कॉन्टेंट होगा वो चेंज हो जाएगा और ये डेमो है. डेमो से डेमो के अंदर जो भी डेमो को हम एक्सेस यहाँ पे कर रहे हैं इनर HTML में और एनी HTML कंटेंट है इसको हम चेंज करेंगे और इसकी जगह पे हाउ आर यू शो होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा. पहले इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद आप आएंगे वेब पेज जो कि यहाँ पे आप जब HTML एक्सटेंशन देंगे तो ऑलरेडी ये वेब पेज क्रोम ब्राउजर पे शो होगा और इसको डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक से आप देखेंगे कि यहाँ पे जब बटन को क्लिक करेंगे क्लिक बटन फॉर एक्शन तो यहाँ एनी HTML कंटेंट ये चेंज हो जाएगा हाउ आर यू. तो ये मैंने चेंज का बताया, अब शो का मैं बताता हूँ. बल्कि आप पहले हाइट का देख लें, हाइट को किस तरह करते हैं. तो हाइट में थोड़ी सी चेंजिंग है, यहाँ पे डॉट इनर HTML है तो डॉट इनर HTML की जगह पे आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्टाइल स्टाइल डॉट डिस्प्ले और इज इक्वल टू हाउ आर यू की जगह पे आप लिखेंगे नॉन और इसको सेव करके फिर आप इसको रन करेंगे. सेव किया, मिनिमाइज किया और इसको फिर रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जब आप बटन क्लिक करेंगे क्लिक बटन फॉर एक्शन तो क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा जैसा कि यहाँ हाइड हो गया. अब मैं आपको शो करके दिखाता हूँ. शो में आप क्या करेंगे, डेमो के अंदर जाएंगे PID डेमो और डेमो में आप क्या करेंगे स्टाइल स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में डिस्प्ले कॉलन नन और इसके अलावा यहां पे आप आएंगे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू अब नन की जगह पे यहां पे आप क्या कर देंगे ब्लॉक कर देंगे. ब्लॉक करके अब आप सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप मिनिमाइज करके फिर इसको रन करेंगे. अब क्लिक बटन फॉर एक्शन तो यहां पे क्या होगा, ये शो हो जाएगा एनी HTML कंटेंट. तो ये सिंपल सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन को यूज करके. तो अगर ये आपको मेरा ये लेक्चर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.